नमस्कार सभी को, स्वागत आप सभी का राजकीय महाविद्यालय सुमेरपुर के YouTube चैनल पर। मैं सीमा चारण, इतिहास के सहायक आचार्य स्थानीय महाविद्यालय में। आज YouTube के वीडियो लेक्चर के माध्यम से जो हम अपनी शिक्षा को जारी रखने का प्रयास कर रहे हैं, उसमें प्रथम वर्ष के कक्षा के इतिहास के जो पहला प्रश्न पत्र है, उसमें एक टॉपिक पाषाण युगीन सभ्यताएँ हैं। उसमें पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं पिछले हम वीडियो लेक्चर्स में। आज हम बात करने जा रहे हैं नवपाषाण काल के बारे में। वैसे दुनिया भर में नवपाषाण काल जो है 9000 ईसा पूर्व से प्रारंभ होता है, लेकिन भारत में जो है थोड़ा लेट शुरू हुआ। जो पहली बस्ती हमें मिली है, हालांकि हो सकता है कि अगर खुदाई में कहीं और इससे पुराने अवशेष मिले तो हम इतिहास को थोड़ा सा पीछे ले जाकर के नवपाषाण काल को पीछे ले जाएंगे, लेकिन जो पहली बस्ती हमें मिली है वो 7000 ईसा पूर्व की है। यहाँ से लेकर कर पहले उत्तर पश्चिम में फिर उत्तर पूर्व में और अंत में आकर दक्षिणी भारत में हमें नवपाषाणकालीन मानव, उसके हथियार, औजार आदि के अवशेष मिलते हैं। दक्षिण में तो अगर हम ये देखें तो ये टाइम पीरियड जो है 1000 ईसा पूर्व तक चला जाता है। अब सबसे पहले जो हम बात करते हैं कि नवपाषाण युग के अवशेष हमें भारतीय उपमहाद्वीप में किन किन स्थानों से प्राप्त हुए हैं। स्क्रीन पर आपको एक नक्शा दिखाई दे रहा होगा, इनमें हम बात करते हैं। सबसे पहले तो पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में मेहरगढ़ अवस्थित है। यहाँ से जो है हमें नवपाषाण काल के सबसे पुराने साक्ष्य मिले हैं और यही वो स्थल है जहाँ की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य भारतीय उपमहाद्वीप में हमें प्राप्त होते हैं। ये तो आ गई पाकिस्तान में कहाँ से मिले हैं। विंध्य पर्वत के पृष्ठभागों पर भी कई सारे इलाके पाए गए हैं। दक्षिण भारत में जो नवपाषाणकालीन बस्तियां हैं वो थोड़ी सी बात की है। कश्मीर में आ जाएं, कश्मीर में हमें वैसे दो स्थानों से ज़्यादा अच्छे नवपाषाण काल के अवशेष मिले हैं। एक तो है पुरसुहोब, जो कि नक्शे में आप देख ही रहे हो, और एक है गुफकराल। इसकी भी अवस्थित जो है ये जगह कश्मीर में ही है। कश्मीर के नवपाषाण युगीन जो स्थल मिले हैं उनकी कुछ अलग विशेषताएं हैं, उनके बारे में हम आगे चल करके बात करने जा रहे हैं। इसके अलावा तीसरा क्षेत्र जहां नवपाषाण युग के औजार मिले हैं वो है असम की गारो पहाड़ियों में। नक्शे में आप देख रहे हो असम की गारो पहाड़ियों में मिले हैं। इसके अलावा एक और नवपाषाणकालीन स्थल जो है इतिहास की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, बिहार में चिरांद। नक्शे में आपको दिखाई दे रहा होगा ये गंगा के उत्तरी किनारे पर पटना से 40 किलोमीटर पश्चिम में है। चिरांद से जो है हमें हड्डियों के बहुत ज़्यादा उपकरण मिले हैं जो कि मानव अथवा पशु की हड्डियों से बनाए जाते थे। इतने अधिक मात्रा में हड्डियों से निर्मित उपकरण किसी भी भारत के अन्य स्थान से प्राप्त नहीं। इसके अलावा दक्षिण भारत में भी जो कि बाद की बस्तियां हैं 2000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक, उसकी अगर बात करें तो यहाँ जो है अपने आपके नक्शे में एक ही है, लेकिन इसके अलावा कर्नाटक में मस्की, ब्रह्मगिरी, हल्लूर, कोडक्कल, पिकलीहल, संगेनकल्लू, टी नरसिंहपुर, तेक्कलकोट और तमिलनाडु में पेयमपल्ली, ये सारे दक्षिण भारत में मिलने वाले नवपाषाणकालीन स्थल है। दक्षिण भारत में नवपाषाण अवस्था जो है 2000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक रही। थोड़ा सा और चलते हैं, बुर्जुहोम जो कि वहाँ का वास स्थान है, इसकी तिथि जो हमें खुदाई में जो अवशेष मिले हैं उनकी रेडियो कार्बन तिथि के आधार पर जो तिथि निकाली गई है वो 2700 ईसा पूर्व की है। इसके अलावा चिरांद में जो हड्डियाँ मिली हैं वो 2000 ईसा पूर्व के आसपास की है, उससे ज़्यादा पहले हम नहीं मान सकते। असम में जो गारो पहाड़ियों में नवपाषाणकालीन स्थल मिले हैं उनकी तिथि 1500 ईसा पूर्व के आसपास की बताई गई है। और मेहरगढ़, जैसा कि मैंने आपको बता दिया, इस जो नवपाषाणकालीन स्थल है जहाँ से कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होते हैं भारतीय उपमहाद्वीप में, ये 7000 ईसा पूर्व का हम मान सकते हैं। ये तो हुए नवपाषाण काल के लोग जो कि
पाकिस्तान से लेकर, कश्मीर से लेकर असम की गारो पहाड़ियाँ, बिहार और दक्षिण भारत में कर्नाटक तक नवपाषाणकालीन स्थल हमें मिल गए हैं। अब हम आते हैं नवपाषाण काल के जीवन की अन्य मुख्य विशेषताओं पर। सबसे पहले कश्मीर का जिक्र करना ज़रूरी है, जहाँ की गुफ्फकराल और बुर्जुहोम जो दो स्थल हमें प्राप्त हुए हैं। इसमें से बुर्जुहोम की जो खुदाई से घर प्राप्त हुए हैं उसका चित्र आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो। सबसे बड़ी चीज़ कि बुर्जुहोम जो है कश्मीर में जहाँ पाया गया है वहाँ जो है गर्तावास, गर्तावास का मतलब गड्ढे खोद कर उसके अंदर मकान बनाए जाते थे। आजकल जो आप अंडरग्राउंड कहते हो, ये नवपाषाण काल में भी ये स्थिति थी, लोग इस तरह से करते थे। क्योंकि आप सोच सकते हो कि कश्मीर जहाँ इतनी ठंड पड़ती है तो ठंड के मौसम में ये गर्तावास गर्म रहते होंगे और गर्मी के मौसम में अपेक्षाकृत ठंडे रहा करते होंगे। इसके अलावा बुर्जुहोम में जो है पालतू कुत्ते हमेशा मालिक के साथ यहाँ दफनाए जाते थे। कई सारे हमें ऐसी कब्रें मिली है जिसके आधार पर पहली चीज़ तो हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि हालांकि मध्य पाषाण युग में मनुष्य ने कुत्तों को पालतू बना लिया था, लेकिन अभी एक निश्चित सी परिपाटी बन गई थी और मनुष्य और कुत्तों के बीच में एक पारस्परिक सहसंबंध अच्छी तरह से यहाँ विकसित हो गया था। इसके अलावा यहाँ मिट्टी के कई सारे बर्तन पाए गए हैं, अलग अलग प्रकार के, सिर्फ एक ही प्रकार के नहीं, और पत्थर और हड्डी के तरह तरह के औजारों का प्रयोग किया गया है। सूक्ष्म पाषाण या माइक्रोलिथ, अगर आपने मध्य पाषाण काल का पाठ ढंग से सुना होगा तो उसकी विशेषता थी सूक्ष्म पाषाण या माइक्रोलिथ, यहाँ नवपाषाण युगीन स्थलों से बिल्कुल भी नहीं मिलते हैं। बुर्जुहोम जो कि कश्मीर में मिला है, इसका अर्थ होता है भूर्ज वृक्ष का स्थान, श्रीनगर से 16 किलोमीटर दूर है। यहाँ नवपाषाण युगीन योग जो है एक झील के किनारे जमीन के नीचे घर बनाकर रहते थे। ये शिकार और इसके अलावा झील में जो मछलियाँ पाई जाती थी उनका पालन करके जीते थे, ये खेती से परिचित थे। इसके अलावा श्रीनगर से ही 41 किलोमीटर दूरी पर गुफ्फकराल है, यहाँ के लोग भी कृषि और पशुपालन किया करते थे। कश्मीर में नवपाषाण युगीन लोग सिर्फ पत्थर के ही नहीं बल्कि हड्डी के भी कई सारे औजार और हथियारों का प्रयोग करते थे। और चिरांद मैंने बता ही दिया, जो कि बिहार में अवस्थित है, वहाँ सबसे अधिक मात्रा में हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। अब हम आ जाते हैं इस युग के औजारों पर। इस युग में जो है अलग अलग क्षेत्र से अलग अलग प्रकार के औजार मिले हैं। सबसे पहली चीज़ तो यहाँ जो है औजार जो हैं वह खुरदरे से नहीं है, जो कि पिछले कालों की विशेषताएं थी, पुरापाषाण काल की, मध्य पाषाण काल की। इस युग में जो है पॉलिशदार पत्थर के हथियार और औजार काम में लिए जाते थे, जो कि चिकने होते थे। खास तौर पर पत्थर की कुल्हाड़ियों का इस्तेमाल किया जाता था। ये कुल्हाड़ियाँ जो है जहाँ जहाँ पहाड़ी इलाके पाए गए हैं, जहाँ नवपाषाण काल के अवशेष मिले हैं, वहाँ बहुत अधिक मात्रा में पाई गई हैं। काटने के औजार कई तरह से काम में लिए जाते थे। नवपाषाणकालीन जो कुल्हाड़ियाँ हैं इनके तीन हम क्षेत्रों में बांट सकते हैं, उत्तर पश्चिमी, उत्तर पूर्वी और दक्षिणी। उत्तर पश्चिम जो समूह है उसमें वक्रधार की आयताकार कुल्हाड़ियाँ होती थी। उत्तर पूर्वी समूह में कुल्हाड़ियाँ जो हैं पॉलिशदार पत्थर की होती थी, जिनमें आयताकार दस्ता लगा रहता था, कभी कभी शोल्डर्ड भी होती थी। और दक्षिण समूह की कुल्हाड़ियाँ जो हैं उनकी बगलें अंडाकार होती थी और हत्था नुकीला होता था। अब उसके साथ साथ एक और चीज़ बताई कि ना सिर्फ पत्थर के बल्कि हड्डियों के भी ये औजार बनाते थे। चित्र में आप देख रहे हो कश्मीर से कई सारे हड्डियों के औजार मिले हैं, और चिरांद जो कि बिहार में अवस्थित है पटना के समीप, वहाँ सबसे अधिक हड्डियों के औजार मिले हैं। इसके अलावा असम की गारो पहाड़ियों, यहां से भी हमें कई सारे नवपाषाण युगीन औजार मिले हैं। ये लोग जो हैं ये धीरे धीरे खेती भी करना सीख गए थे। खेती के कई सारे उपकरण हमें नवपाषाण युगीन स्थलों से मिले हैं, जिनमें जो है आधे किलोग्राम वजन के पत्थर के छल्ले लगे डंडे, इनके अवशेष, पत्थर के पॉलिशदार औजार, इसके अलावा सूक्ष्म पाषाण फलक का भी उपयोग किया करते थे। अब नवपाषाण युग की जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषताएँ थी, सबसे खास उपलब्धि थी, जिसके कारण और भी अन्य कई उपलब्धियों का विकास हुआ, कई मानव जीवन में परिवर्तन आए, वो थी खेती का प्रयोग। यहाँ रहते रहते जैसा
हम देख रहे थे कि होम्यो सेपियंस सेपियंस का जब विकास हुआ तो मनुष्य का मस्तिष्क जो है अब उसका आकार बढ़ गया, उसके सोचने समझने की सीखने की क्षमता में अब वृद्धि होती चली गई। वहाँ मनुष्य ने महसूस किया कि कुछ बीज जो हैं जब ज़मीन पर हम गिरा देते हैं तो कुछ समय बाद उनके पौधे निकलते हैं और पौधों से अधिक मात्रा में हमें दानों की प्राप्ति होती है और ये दाने जो हैं अनाज के दाने खाद्य योग्य होते हैं। इस तरह से मनुष्य ने धीरे धीरे खेती बाड़ी करना सीखा। भारत में जो कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य हमें मिलता है वो है मेहरगढ़, भारतीय उपमहाद्वीप में पाकिस्तान में आज अवस्थित है। 7000 ईसा पूर्व में यहाँ खेती के साक्ष्य मिलते हैं। कश्मीर के जो गुफकराल और बुर्जहोम हैं वहाँ भी खेती और पशुपालन दोनों किए जाते थे। चिरांद से भी खेती के अवशेष धीरे धीरे मिलने लगे हैं। इसके अलावा गोदावरी नदी के तट पर जो भी दक्षिण भारत में लोग बसते थे वे सिलबट्टे का प्रयोग करते थे। सिलबट्टे का प्रयोग बच्चों अनाज को, उस वक्त तभी तक चक्की का आविष्कार नहीं हुआ था तो अनाज जो है सिलबट्टों पर पीसा जाता। असम की गारो पहाड़ियों में भी खेती के हमें अवशेष मिले हैं 1500 ईसा पूर्व। और साउथ इंडिया में जो सारे अवशेष मिले हैं उनमें हम देखते हैं कि ये लोग क्या करते थे, अपने शिविर के चारों तरफ मवेशी रखते थे, पालतू पशु रखते थे, उनके बाड़े बनाते थे और गोबर जमा करते थे, फिर उस सारे स्थल में आग लगा करके जाते थे ताकि फिर अगले मौसम में फिर शिविर लगाए जाए। ऐसे ऐश माउंट्स हमें साउथ में कई जगह मिलते थे। ये खेती के लिए मैंने बताया, सबसे पहले आधुनिक तरह से हल कुदाली का इस्तेमाल नहीं होता था, पत्थर की कुदालें थी और खोदने के डंडों से ज़मीन को खोदते थे, फावड़े से नहीं। डंडों में एक और आधे किलोग्राम वजन के पत्थर के छल्ले रगे रहते थे। ये तो पत्थर के औजार है, इसके अलावा सूक्ष्म पाषाण फलकों का औजार भी ये लोग काम में लिया करते थे। ये लोग जो हैं रागी और कुल्थी पैदा करते थे। इसके अलावा मेहरगढ़ में जो नवपाषाण युगी लोग थे वो ज़्यादा उन्नत थे, वे गेहूँ जौ और रुई भी अब उपजाने लग गए थे। चूँकि नवपाषाण युगीन लोग कई सारे अनाजों की खेती करते थे इसलिए अब उनके जीवन में कुछ परिवर्तन आने वाले थे। उन परिवर्तनों पर, इन कृषि के प्रारंभ के कारण जो परिवर्तन हुए उस पर हम बात करते हैं। अब बच्चों जब भी खेती करते हैं तो फसल बीज बोने से लेकर के उससे फसल विकसित होने तक ये कोई छोटा मोटा 10-15 दिन का काम नहीं, इसमें कुछ एक महीने का काम होता है। कुछ एक महीने का पूरी प्रक्रिया ये होती है जिसमें बीज बोना, फिर उनसे पौधे अंकुरित होना, पौधे विकसित होकर के और उन पे वापस से दाने लगना अनाज के। तो इस पूरी प्रक्रिया के दौरान अब मनुष्य को ज़रूरत हुई कि वो उन खेतों की देखरेख करे, वरना पौधे बिना पानी के ख़त्म भी हो सकते थे, जंगली जानवर भी उन्हें आकर के नष्ट कर सकते थे। तो ऐसे मनुष्य को अब जो है आवश्यकता हुई एक जगह पर रहने की। अब वो गुफाओं में नहीं रह सकता था, जिन खेतों में वो खेती कर रहा था उसके पास ही खेतों की और खेती की सुरक्षा के लिए उसका रहना ज़रूरी हो गया। तो इस कारण उसको ज़रूरी हुई स्थिर आवास की। ये लोग जो है धीरे धीरे, पहले ये लोग गोलाकार घरों में और जो बाकी सारे लोग थे वो आयताकार घरों में रहते थे। जो नवपाषाण युगीन स्थल मिले हैं, गोलाकार घर जो हैं बस्ती के बीच में मिले हैं और आयताकार घर उसके चारों तरफ मिले हैं। तो कुछ कहते हैं कि शायद ये गोलाकार घर में जो रहते थे वो बाकी सब पर स्वामित्व रखते थे। हालांकि जब तक और अधिक साक्ष्य हमें इस बारे में नहीं मिल सकते, स्पष्ट रूप से कुछ भी नहीं हम कह सकते। ये लोग जो है ये हम ज़रूर कह सकते हैं कि घास फूस से बनी झोपड़ियों में मिट्टी से जो है गीली मिट्टी को पोत करके ये लोग अब मकान बना करके अपने खेतों के आसपास स्थिर रूप से रहना शुरू कर दिया और एक तरह से ग्रामों का विकास यहीं से शुरू होता है। दूसरी जो इस काल की विशेषता ये थी कि जब अनाज उन्होंने इतना अधिक मात्रा में पैदा कर लिया है तो खुला अगर उसको रखेंगे तो चूहे और भी जो जानवर हैं उसे नष्ट कर देंगे। तो इसके लिए उन्होंने अनाज रखने के लिए बर्तनों की आवश्यकता हुई। सबसे पहले तो अनाज किस में भंडारित करें उसके लिए बर्तन बनाने की आवश्यकता हुई। फिर धीरे धीरे उस अनाज को कच्चा नहीं, उनको लगा अगर पका करके खाएंगे तो ज़्यादा स्वादिष्ट होगा, तो उनको पकाने के लिए, खाने के लिए और पीने का पानी, पहले तो नदी किनारे ही रहते थे, थोड़ा सा नदी से जब दूर रह रहे हैं तो उनको लगा कि पीने का पानी हम इकट्ठा करके रखें, रात के वक्त हमें नदी किनारे जा करके अपने प्राण संकट में नहीं डालना पड़े। तो इन सभी के लिए जो है बर्तनों की आवश्यकता हुई। प्रारंभ में जो बर्तन बने वे सभी मिट्टी के थे, तो कुंभकारी का काम यानी मिट्टी के बर्तन बनाने का काम सबसे पहले यही मिलता है।
शुरुआत में जो बर्तन हमें प्राप्त होते हैं वो हाथ से मिट्टी के बर्तन बनाए गए थे, फिर धीरे धीरे उन्होंने चाक पर बर्तन बनाने शुरू किए। इन बर्तनों में पॉलिशदार बर्तन भी हैं, काला मृदभांड भी है, ब्लैकवेयर भी है, धूसर यानी ग्रे कलर के मृदभांड भी, और कई सारे ऊपर जो है चटाई के छाप वाले बर्तन भी हमें मिलते हैं। छोटा नागपुर पहाड़ी में सेल्ट, वसूले, कुल्हाड़ियाँ, छेनी आदि औजार मिले हैं। मध्य प्रदेश में आमतौर पर जो है नवपाषाणकालीन बस्तियाँ कम मिलती है क्योंकि वहाँ चिकने पत्थर नहीं हो सके थे। अब जो है नवपाषाण क्रांति, जब हम नवपाषाण की बात कर रहे हैं बच्चों, तो देखो इस युग में मानव जीवन में कितने कितने परिवर्तन आए। अभी तक हालांकि मनुष्य पत्थर के औजारों का ही प्रयोग कर रहा है, नवपाषाण का मतलब ही पाषाण जब आता है तो औजार जो है वो सारे पत्थर के बनाए जाते थे, लेकिन फिर भी इन पत्थर के औजारों से भी मनुष्य ने काफ़ी कुछ तकनीकी प्रगति कर ली है। सबसे पहली बार वो अनाज उपजाना सीख गया है, गेहूँ, जौ, रागी, कुल्थी, और मेहरगढ़ में तो रुई तक की खेती होने लग गई थी। इस अनाज को उपजाने के कारण मनुष्य को स्थिर रूप से रहना पड़ा, सबसे पहले घर बनाने पड़े उनको, और घर जो है समूह में लोग रहते थे तो आसपास में घर बनाते थे, तो इससे क्या हुआ, गांवों का विकास हुआ, स्थिर जीवन और ग्राम्य जीवन का विकास। तीसरी इस काल की जो विशेषता मैंने बता दी कि अनाज को रखने के लिए, उनका भंडारण करने के लिए, खाना पकाने के लिए, खाने के लिए, पीने का पानी रखने के लिए उन्हें बर्तनों की आवश्यकता हुई, तो सबसे पहले जो बर्तन काम में लिए गए वो मिट्टी के थे, जिनको मृदभांड या मृतपात्र कहते हैं। इसके कारण कुम्हारी का या कुंभकारी का उद्योग इस काल में बनपा। तो इस काल में खेती, बुनाई, कुंभकारी, भवन निर्माण, पशुपालन आदि का विकास हुआ। पश्चिमी एशिया में तो लेखन कला का भी विकास हो गया था, लेकिन भारत में अभी इसमें टाइम लग रहा था। लेकिन हालांकि हम ये कह सकते हैं कि अब मनुष्य ने खेती करना सीख दिया था, चाहे वो गेहूं जौ की ही हो। इसके अलावा कई सारे गांव बसे और यहीं आकर के मानव सभ्यता, मानव ने जो है पहली बार सभ्यता के द्वार पर पांव रखे। अब इन नवपाषाणकालीन लोगों की कुछ कमजोरी भी थी। सबसे पहली तो वो पत्थर के बने हथियारों पर ही आश्रित थे और औजार उन्हीं के पत्थरों के ही होते थे, इसलिए वो पहाड़ी इलाकों से ज़्यादा दूर जाकर के बस्ती नहीं बनाई जा सकती थी क्योंकि पत्थर से उन्हें औजार बनाने पड़ते थे। तो इसके कारण जो सारे अवशेष हमें मिले हैं वो पहाड़ की ढलानों पर, गुफाओं में, और जहाँ नदी घाटियाँ हैं पहाड़ों की, उन्हें मिला है। इसके अलावा अभी तक सिर्फ वो इतना ही अनाज पैदा कर सक रहे हैं कि अपना और अपने परिवार का पेट पाल सकें। अभी तक वृहद मात्रा में अनाज का उत्पादन शुरू नहीं हुआ है, खेती की तकनीक इतनी विकसित नहीं हुई है, और इसके कारण सभी लोगों का मुख्य पेशा कृषि ही था। कुम्हारी, भवन निर्माण, ये पेशे जो है इसको आगे जा कर के धातु युग की प्रतीक्षा इस पेशे को विकसित होने के लिए करनी थी। तो बच्चों ये था नवपाषाणकालीन इतिहास भारतीय उपमहाद्वीप के संदर्भ में। उम्मीद कर रही हूँ कि इस नवपाषाणकालीन जीवन को समझने में, इनके मुख्य स्थानों को जानने में ये लेक्चर आपकी ज़रूर सहायता करेगा। इतना कहकर ही हम लेक्चर ये समाप्त करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।